वीडियो को देखकर और सब्सक्राइब कर लें, और जो कमियां हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दें, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। चलो, और पहली वीडियो आज हम हरिद्वार की सैर करेंगे, तो चलते हैं हरिद्वार की ओर। और अभी हम जल्दी में हैं तो हरिद्वार चल के ही बात करेंगे, 3.5 घंटे का रास्ता है। होली अमितियो, ठीक है। हेलो गाइस, माय फैमिली इज माय ब्रदर अमित कुमार और इज माय हनी, हाय, और माय भाई, हाय। ये हमारा भतीजा है, हाय करते बाबू, और ये प्रिंस हमारे कैमरामैन। और चलते हैं हम हरिद्वार की ओर, और अभी अपनी सिटी में ही हैं, ये हम सिवारे में मिलोंगे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, अभी हम नगीना पहुंच गए, लगभग सिवारे से 40 किलोमीटर दूर। और यहाँ के बहुत फेमस, यहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस है मिस्टर तुलाराम सिंह के। और अभी तुलाराम सिंह के सामने एक मोहन स्वीट है, ये मोहन स्वीट है, और इनके यहाँ रसगुल्ले का देखते हैं, इनके भी कैसे टेस्ट हुए तुलाराम के अलावा, और यहाँ मोहन स्वीट के रसगुल्ले भी टेस्ट करके देखते हैं। तो चलते हैं रसगुल्ले खाने। देखो अब यहाँ गए मंदिर, और ये रसगुल्ले हैं इनके बहुत फेमस रसगुल्ले हैं इनके। और आ जाओ अंदर आ जाओ, अभी हम ऑर्डर करते हैं इनके रसगुल्ले के लिए, ना भाई ने हमें ऑर्डर कर दिया था पहले ही। और ये देखिए अभी अंदर काफ़ी भीड़ है इस रेस्टोरेंट में, और काफ़ी भीड़ के साथ अभी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अभी हम हरिद्वार पहुँच गए हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर और है हरिद्वार। और अभी पानी के लिए हम यहाँ रुके, और यहाँ एक मंदिर है श्री परमेश्वर मंदिर धाम, और इसमें घूमते हैं किस तरह का मंदिर है, काफ़ी ऊंची मूर्ति है। आ जाओ, ये आ जाइए आप, काफ़ी अच्छा मंदिर है, और इसकी मूर्ति लगभग सरावाली माता जी की मूर्ति है। ये देखिए लंबाई इसकी, देख तो देख काफ़ी लंबाई है इसकी, देखिए इसको, वीडियो को रोक दो अभी आगे चल के। तो देखिए यहाँ लिखा प्राचीन सिद्ध सीता पीठ मंदिर, और 108 फीट दुर्गा माँ की मूर्ति। देखिए कैमरा लगाइए प्लीज, इस पर कैमरा लगाइए, काफ़ी ऊंची मूर्ति है दुर्गा माता की। ये हरिद्वार में घुसे हैं जस्ट हम अभी, और नेक्स्ट हरिद्वार में जाएंगे अभी दिखाएंगे, इससे भी ऊंची ऊंची मूर्तियाँ यहाँ हरिद्वार के अंदर। बहुत अच्छा उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छी घूमने की जगह है उत्तराखंड में ये हरिद्वार। और चलते हैं हम आगे, क्योंकि अभी टाइम हमें हरिद्वार जाना है, वहाँ काम है। हरिद्वार है लगभग 3-4 किलोमीटर दूर के आसपास होगा, 1.5 किलोमीटर दूर, चलते हैं। तो अभी हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं और लगभग 10 मिनट के आसपास में अभी हरिद्वार घुमाएंगे आपको। हेलो, आ गए हम हरिद्वार, यहाँ हर की पौड़ी पे पार्किंग में बहुत टाइम लगा है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया वहाँ में। और ये देखिए इधर हर की पौड़ी से ये गंगा है इस टाइम, और ये देखिए वहाँ पर पानी बहुत भी है, ऊपर पहाड़ पे मनसा देवी है वहाँ, और इधर से चंडी देवी उधर चमक नहीं रही। जब मैं जाऊँगा उधर घूमने, रिवर्स करेंगे घर के लिए, तो चंडी देवी भी दिखाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मी झूला, और नीलकंठ राजेश्वरी मंदिर, और झील मेन चीज़ झिलमिल गुफा, उससे पहले नीलकंठ, वहाँ आपको नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा वहाँ कितना अच्छा श्रद्धालुओं का श्रद्धा है। जब आए हैं हरिद्वार में तो थोड़ा प्रसाद ही चढ़ा लें। चलो, रुमाल है, रुमाल पानी काफ़ी ठंडा है, आराम से कपड़े ना लाए, और मैं और काफ़ी ठंडा पानी है, कपड़े नहीं लाए हम, वरना तो नहा के जाते हैं यहाँ से। रुमाल है, आदमी इसमें 2 मिनट के बाद नहीं रुक पाएगा, इतनी ठंड है। ये हमारे कैमरामैन
और देखिए आपको मैं दिखा दूँ कितने श्रद्धालु हैं यहाँ। और कल शिवरात्रि थी तो भीड़ की वजह से हम आ नहीं पाए। देखिए काफ़ी मात्रा में है अभी भी शिवरात्रि से, और बहुत टाइम हो गया, कल थी। ये देखिए पानी का बहाव बहुत तेज़ है और अब पुल है और पुल के नीचे मूर्ति है। आया आ जाओ, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये। रो कैमरा लगाना है इधर को, और आगे पास में आओ पास में। देखिए ब्रिज के ऊपर हैं अभी हम, और काफ़ी कूल महसूस हो रहा है यहाँ। देखिए एक नज़ारा इधर का ले लो, नहीं आगे आओ और आगे 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 आओ। ये देखिए अब ये देखिए पानी का बहाव किस कदर तेज है। पानी एकदम बिल्कुल साफ, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जो पुल दिखाया था आपको, वो पुल ये इंद्रधनुष का डिजाइन दिया हुआ है यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार में। कहाँ देखिए, और ये छोटा जो उनका नदी है गंगा है, उनका थोड़ा सा किनारा इधर को मोड़ दिया है जहाँ पब्लिक श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। देखिए पानी का बहाव किस कदर तेज है, मगर पानी इतना दबाव नहीं है। और ये देखिए बेचारी श्रद्धालु और किस कदर अभी तेज पानी है, लगभग चैन पकड़ के नहाए यहाँ आए तो हरिद्वार में, ध्यान रखना इस चीज़ का, बिना चैन पकड़ के तो नहाए नहीं। मैं ब्रिज दिखाया था ये, उसी के बीच में मैं अभी खड़ा हूँ। और इधर लाओ कैमरा, इधर लाओ, देखिए ये जो निर्माण है पुलों का छोटा छोटा, शिवरात्रि पे जो कांवड़िया यहाँ आते हैं जब इनको निर्माण ओपन होता है, बना तो बंद ही रहते हैं साल के, 3-4 साल से ये निर्माण होया है, पहले नहीं थे यहाँ। और चलते हैं आगे और हरिद्वार घुमाते हैं। और ये चीज़ देखिए, और गोल्डन कलर का, ये यहाँ का घंटाघर है हरिद्वार का, ये घंटाघर है। और इस टाइम यहाँ 2 बज रहे हैं दोपहर के। भाई यहाँ थक गए हम बहुत बुरी तरह घूमते घूमते, और मनसा देवी के लिए अप्लाई किया वहाँ टिकट के लिए, तो 1 घंटे के बाद नंबर आ रहा था, 122 रुपये का टिकट था। चलो टिकट तो कोई नहीं, अरे 1 घंटे के बाद नंबर आता, वो 1 घंटा बोल रहे थे, क्या पता 2 घंटे के बाद नंबर आता, कुछ पता नहीं था, इसलिए वहाँ हमारा जाना कैंसिल हुआ। और वहाँ से आने जाने में ही थक गए हम। और एक चीज़ और है, यहाँ ब्रिज पर खड़े हैं, और ये जाना कौन सा फल है अब देखते हैं, बता राम फल है, कैसा दिया है, 20 रुपये प्लेट है ये राम, 20 रुपये प्लेट है ये राम फल। और अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। हाँ बेटा दे दो, इसे दे दो, ये लो, ये रामफल है, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का। मिर्ची डालो ना बेटा, मिर्ची ना डालो, लो 20 रुपये ले लो, इधर का जाओ, इधर खड़े हो जाओ इधर। और ये रामफल टेस्ट करके देखते हैं, मीठा है। फैमिली के साथ आना यहाँ, वीडियो बनाना नहीं है भाई, वीडियो नहीं बनेगी मेरे भाइयों। और ये जो ऊपर है चंडी देवी है वहाँ, इधर जूम करो और इधर दिखाओ, इधर ये उधर वो मनसा देवी, देखिए वो मनसा देवी, वहाँ गए थे हम, नहीं घूम पाए फैमिली के साथ। और अब यहाँ के बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। और चंडी घाट नीचे था, वहाँ भी मैं आपको नहीं घुमा पाया, तो फैमिली के साथ था, जिस दिन हम अकेला आएंगे लड़के लड़के फ्रेंड, जब मैं आपको पूरा ही क्लिप दूंगा। और ऊपर नीलकंठ के लिए भी आपको मैं बताऊंगा, ये फिलहाल एक मंदिर है, ये पता नहीं कौन सा मंदिर है, इधर दिखाना, इधर गौरी शंकर गौशाला है, गौशाला
बोरी संकल गौशाला, और अभी मैं आगे जाकर दिखाता हूँ उधर। चलो।